गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, अब उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी दूरदृष्टि वाली पार्टी है, 10 साल पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह गई थी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के खिलाफ जो भी रहेगा उस पर राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन हमारी सोच भारतीय है और हम भारतीयता की ही बात करेंगे। सैलाना विधायक हर्ष सिंह गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की संस्कृति और सभ्यता है, एमपी में कानून का राज है और उसके हिसाब से ही काम चलेगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शराब की दुकानें बाहर खोले जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, इससे अमानक शराब बिक्री पर रोक लगेगी। नरोत्तम ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन से जुड़े टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए उन्हें पैसे मिले हैं। फिल्म तांडव को लेकर उन्होंने कहा कि वास्तव में तांडव फिल्म जितना देख पाया उससे समझ आया कि यह प्रायोजित गैंग है जो बहुसंख्यक वर्ग पर निशाना साध रही है। उस गैंग का इतिहास ही है कि बहुसंख्यक बहुल समाज की भावना को ठेस पहुंचाना। इसमें अली अब्बास है, सैफ अली खान है, इनके बारे में विधि विभाग से बात की जा रही है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। वो भारत के खिलाफ जो भी रहेगा उसके खिलाफ राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, इसलिए चीन के खिलाफ दिख रहा है आपको, चीन के बारे में दिख रहा है उनका, ये उनकी सोच है और हमारी सोच तो राष्ट्रीयता की है, उसी को लेकर चलेंगे। वास्तव में वो जो तांडव फिल्म है ना, जितना मैं उसको देख पाया और जितना मैं समझ पाया, उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेके हमारी भगवान तक, उन सब पे और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो जो जीशान है, अयूब है, अली अब्बास जफर हैं, सैफ अली खान हैं, ये सब जो लोग हैं तथाकथित, इनकी आदत बनती जा रही है और इसलिए हम विधि विभाग से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं और हम परामर्श करके देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, केस रजिस्टर्ड हो सकता है क्या और वैधानिक कार्रवाई क्या हो सकती है। आज बैठक है उस संबंध में 4:30 बजे। मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो दूरस्थ गांव पड़ते हैं और दुकान नहीं है वैधानिक, तो उस महा दुकान नजदीक खोलने का नए सत्र में विचार करें, जिससे कि जो अमानक शराब आ जाती है, अवैध शराब आ जाती है, उस पर अंकुश लगे। जो डिग्री तय की हुई दरा शराब रहती है ठेकों पर, वो बिचेगी तो कम से कम ये अवैध पर प्रतिबंध भी लगेगा। वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस की सभ्यता है, इस तरह की उच्छंसकता उद्दंडता करना उनका स्वभाव है। पर सब लोग ध्यान रहे कि यहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहां कानून का राज है, कोई कितना भी बड़ा हो कानून के खिलाफ जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं पहले से ही टुकड़े टुकड़े गैंग की कहता था कि इसमें उनका हाथ है। अब पहले से चूंकि मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए लगता था कि हम पूर्वाग्रह से पीड़ित थे, और अब तो उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया, उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो लोग हैं वो धंधा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये बिखरने के कगार पर है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।